बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अहमद बीएससी सेकेंड ईयर फ्रॉम पूर्णिया यूनिवर्सिटी बिहार। ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स की है, कॉमन कैटेगरी चैप्टर से। ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ एल इज़ टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम टू पॉइंट्स इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी दो पॉइंट्स हैं एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर, उससे हम एल लेंथ की एक यूनिफॉर्म यानी एक समान चैन को लटका रहे हैं। इफ़ आइदर टर्मिनल टेंशन इज एन टाइम्स देन एट द लोवेस्ट पॉइंट, यानी जो दोनों तरफ जो सिरे हैं उन पर टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पर यानी जो सबसे निचला पॉइंट है उस पर टेंशन का एन टाइम्स है, यानी जो सिरों पे टेंशन है वो लोवेस्ट पॉइंट के टेंशन का एन टाइम्स है। सो दैट द स्पान ए बी मस्ट बी वन अपॉन स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस वन लॉग एन प्लस स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए, हमें स्पान अगर निकालना है कॉमन कैटेगरी का, तो स्पान के लिए फार्मूला हमको पता है कि स्पान को 2x से डिनोट करते हैं। अगर हम दो पॉइंट जो टर्मिनल पॉइंट्स लेंगे ए बी लेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस 2c log of sec psi प्लस का tan psi, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में हमें रखना है, यानी हमें psi पता हो जाए या sec psi और tan psi की वैल्यू मालूम हो जाए और c की वैल्यू, तो हम स्पान की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ये माइंड में रखना होगा, हमें सी निकालना है साई निकालना है। अगर साई डायरेक्ट ना निकले टेन सेक्स आई और टेन साई निकला है तो उससे हम इसमें रख के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है पहले वहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे कि दो पॉइंट्स जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताए गए थे कि हॉरिजॉन्टल में दो पॉइंट हैं और यूनिफॉर्म चैन को जब सस्पेंड करेंगे फ्रीली हैंग करेंगे तो एक कैटेगरी बनेगी, यानी कॉमन कैटेगरी बनेगी। ये कॉमन इस जिस शेप में लटकेगा ये पोर्शन वो कॉमन कैटेगरी होगा, और इस लाइन के अबाउट जो होगा दोनों साइड में ये एक जैसा होगा, यानी ये एक्सिस होगी वाई एक्सिस को हमने कॉमन कैटेगरी का एक्सिस मान लिया, जिसके दोनों तब ये एक साइड एक जैसी है और लोवेस्ट पॉइंट को हमने कॉमन कैटेगरी का सी मान लिया। ये यहाँ पर चैन है जो एल लेंथ की है, तो सी पॉइंट पर ये दो पार्ट में बढ़ जाएगी, यानी इतनी जो लेंथ होगी वो एल बाई टू होगी और इधर वाली जो लेंथ होगी वो भी एल बाई टू होगी। हम यहाँ से इस डिस्टेंस को स्मॉल सी बोलते हैं, तो वहाँ से एक्स एक्सिस पास होती है और एक्स एक्सिस से यहाँ तक की दूरी स्मॉल सी होगी। अब ये बताएगा कि लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है उसको हम लोग यूजुअली टी नॉट से डिनोट करते हैं, हमने इसको टी नॉट ले लिया। और कहा जा रहा है कि जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं यानी ए और बी, उन पॉइंट पर टेंशन जो है वो इस टेंशन का एन टाइम्स है, ये हमें गिवन है। तो इस ए पॉइंट पर टेंशन को अगर टी से डिनोट करें तो इसका एक्स एक्सिस के साथ में इंक्लिनेशन अगर साई हो तो बाकी चीज़ें हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो चीज़ हमने यहाँ पर ली हैं। लेट टी वी दी टेंशन एट दी पॉइंट्स ए एंड बी और हमको ये दे रखा है कि लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है उससे ये वाला टेंशन एन टाइम्स है। तो हम इसको लिख लेंगे, उससे पहले हम ये बता देना चाह रहे हैं कि टेंशन टी का जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो कितना है। इफ़ साई विद दी एंगल मेड बाई दी टेंजेंट एट ए, और हम लोग जानते हैं टेंजेंट की डायरेक्शन में ही टेंशन की डायरेक्शन होती है किसी भी पॉइंट पर इस कॉमन कैटेगरी के। तो इस ए पॉइंट पर जो टेंजेंट है यानी टच करती हुई जो लाइन है वो टी है ये है, और इसमें टेंशन जो लग रहा है उस टी है, और
इस टेंशन का एक्स एक्सिस के साथ में जो इंक्लिनेशन है वो साई हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, साई हमने माना है। तो टेंजेंट एट ए, इसको कंप्लीट कर दें लैंग्वेज को, विद दी एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से इसका एंगल हमने साई के इक्वल माना है। और हमको जो गिबन है वो लिख लेते हैं, गिबन जो टेंशन टी है वो एन टाइम्स बताया गया लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन। लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन को हम लोग कॉमन कैटेगरी चैप्टर में टी नॉट से ही डिनोट करते आए हैं, जो हमने यहाँ पर शो भी कर दिया है। ये गिवन है कि ये टेंशन ए और बी पॉइंट पर वो एन टाइम्स है लोवेस्ट पॉइंट का। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं। और हम देखेंगे कि इतने पोर्शन पर अगर सी से लेके ए तक के पोर्शन को देखें, इस पर तीन फोर्स लगे हैं और इन तीन फोर्सेस के अंडर में ये जो है पोर्शन यानी पूरा ही ये इक्विलिब्रियम में है। अगर हम सी ए के कंसीडर करें तो सी ए पोर्शन के लिए अगर हम इस लाइन को इधर पहुंचाएं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन से ही एक तीसरा फोर्स होगा जो इसका वेट होगा। इतने पोर्शन का वेट जो होगा वो इस पॉइंट से होकर जाएगा, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर जाएगा। इसकी लेंथ जो कि L/2 है, तो यूनिट लेंथ का वेट स्मॉल W हम लोग लेते हैं, तो इस पूरे का वेट जो होगा L/2 × W होगा, जो नीचे की तरफ वर्क करेगा। लेकिन हमें इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे। रिजॉल्व करेंगे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। हालांकि हमारा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हॉरिजेंटल डायरेक्शन से ही मिल जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन से हमें यहाँ पर कुछ नहीं देना है। हालांकि स्पान हमको, चूँकि हमें स्पान निकालना है, तो हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो रिजॉल्व पार्ट लेंगे उससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी हम इसको फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि इतना पोर्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, तो यानी अपोजिट तरफ के जो फोर्स हैं वो इक्वल होंगे, तो अपोजिट तरफ के फोर्सेस को इक्वल कर दें। यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें कि अभी हमने बोला कि इतना पोर्शन तीन फोर्सेस के अंदर में इक्विलिब्रियम में है, यानी अब ये अपनी जगह से नहीं है, लाख फोर्स लग रहे हैं इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से होकर जाएगी। इसलिए हमने जो दो जो फोर्सेस हैं उनसे जाने वाले वो जिस पॉइंट से होकर जा रहे थे, तो तीसरा भी लाइन ऑफ एक्शन जो इसका वेट होगा वो इसी पॉइंट से होकर हमने जाता हुआ लिया था। अब फोर्सेस को हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल में जब बांटेंगे तो ये फोर्स और ये वेट, ये तो देख रहे हैं कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन में। एक फोर्स एफ टी है वो सिर्फ इससे हॉरिजेंटल से साई एंगल बना रहा है, तो इसको हम जब रिजॉल्व करेंगे तो जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा तो वो हो जाएगा टी कॉस साई, और वर्टिकल डायरेक्शन में टी साइन साई होगा। तो हम यहाँ रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्विंग फोर्सेस इन इंटू हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम फॉर आर्क सी ए, यानी सी आर के लिए हम इतना फोर्सेस को जब रिजॉल्व करेंगे तो इस टी का जो वर्टिकल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा टी कॉस साई होगा, ये इस तरफ होगा टी कॉस साई का, ये इस यहाँ इस तरफ होगा, और चूँकि इक्विलिब्रियम में है तो अपोजिट तरफ के फोर्स इक्वल हो जाएंगे, यानी जो इस तरफ का फोर्स होगा वो इस तरफ के फोर्स के इक्वल होगा हॉरिजॉन्टली, यानी टी नॉट के इक्वल हो जाए, इसे इक्वल कर दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका टी का कंपोनेंट जो होगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि ये एंगल साई है, तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में टी कॉस साई हो गया और इसका वर्टिकल में टी साइन साई होगा, तो हो जाएगा टी साइन साई। हालांकि इस सवाल में उसका कोई यूज़ नहीं है। और इस ये तो हो गया ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ होगा इस पूरे का वेट, क्योंकि आपको मालूम है कि इसकी लेंथ थी L/2 आर्क ऐसी ही, और यूनिट लेंथ यानी 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर या 1 जो भी हो का वेट स्मॉल W था, तो पूरे का वेट जो होगा पूरी लेंथ का वेट इसमें W से मल्टीप्लाई करके कर लिया, W लिख देंगे,
कि ये यू क्या है ये, वे आर डब्ल्यू इज मास यानी वेट, वेट फॉर यूनिट लेंथ। हालांकि हम इस इक्वेशन नंबर थ्री का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा वन टू से ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि टी नॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे इक्वेशन नंबर टू से। तो कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, यहाँ से टी नॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में जरूर रखेंगे। टी इज इक्वल टू एन इंटू टी नॉट की, यहाँ पर टी कॉस साई हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा वन टाइम्स, यानी वन बराबर आ गया एन इंटू कॉस साई। कॉस साई को जब उधर ले जाएंगे तो वन अपन कॉस साई हो जाएगा और ये एन आ गया, और वन अपन कॉस की वैल्यू जो होती है वो सेक साई के इक्वल होती है, सेक साई की वैल्यू एन आ जाएगी। जैसे हमने पहले बताया था कि अगर हम स्पान यानी यहाँ से यहाँ तक ए बी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। तो हम पहले सेक साई की वैल्यू निकाल लेंगे, इसी से हम टेन साई की वैल्यू निकाल सकेंगे, फिर सी की वैल्यू और निकालना होगी, स्पान की वैल्यू हम निकाल सकेंगे। इस फार्मूले को माइंड में रखना है। अब टेन साई सेक साई की वैल्यू एन आ गई तो इससे सेक साई कैसे निकाला जाए, हम लोग जानते हैं कि फार्मूला वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। थीटा करें या अगर साई लिखेंगे तो यहाँ पर साई हो जाएगा, और ये चूँकि हम वैल्यू निकाल चुके हैं एन है तो एन स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर साई। अगर हम टेन स्क्वायर साई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो एन स्क्वायर माइनस वन करना होगा, और अगर हम टेन साई की वैल्यू ही निकालना चाहते हैं स्क्वायर हटाना होगा, दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू भी निकाल ली, अब हमें सी की ज़रूरत हो रही है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएं, तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला एस इज इक्वल टू सी टेन साई, इसमें आता है, इनमें टेन भी हमारे पास मौजूद है और एस की वैल्यू भी हमें पता है किस पोर्शन के लिए। ये तो फार्मूला होता है, अगर हम इसको लगाते हैं सी ए के लिए लगाते हैं तो इस सी ए के लिए ए पॉइंट पर मालूम है टेंजेंट और उसकी जो सी की वैल्यू है, क्योंकि एस जो है नापा जाता है इस पॉइंट से, यहाँ पर एस बराबर जीरो होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एस की वैल्यू बढ़ रही है, और इस पॉइंट ए पर आते हैं तो एस की जो लेंथ है जो लंबाई है कर्व के अलॉन्ग वो एल बाई टू है, क्योंकि टोटल लेंथ एल थी और सी मिड पॉइंट था तो यहाँ से दो पार्ट में बढ़ गया, एल बाई टू इधर एल बाई टू इधर। तो इस लेंथ की बात कर रहे हैं इस फार्मूले के लिए, तो फॉर सी ए आर्क सी ए, सी ए आर्क के लिए एस की वैल्यू जो होगी वो एल बाई टू हो जाएगी, और टेन साई की वैल्यू तो ये हमने निकाल के रखी हुई है, टेन साई की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगी। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करें एस बराबर सी टेन साई से एस की वैल्यू लिख दी हमने एल बाई टू, सी की वैल्यू फाइंड करना है और टेन साई की वैल्यू स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस वन, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये अपान में आ जाएगा, टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन, सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर द required स्पान, जिसे कहते हैं कि यहाँ तक कि ये डिस्टेंस होती है स्पान ए बी, तो स्पान ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला तो मालूम ही है आपको, टू सी लॉग ऑफ sec साई प्लस टेन साई, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, सी की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, सी की वैल्यू रखेंगे टू एल अपान टू स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस वन लॉग ऑफ sec साई की वैल्यू, एन के इक्वल लिख ली थी, टेन साई की वैल्यू भी ऊपर लिखी हुई है स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस वन, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो स्पान ए बी की वैल्यू जो हमें पूछी गई थी वो आ चुकी है, एल अपान स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस वन लॉग ऑफ एन प्लस स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस वन, ये हमको फाइंड करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखरुद्दावाना, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।